हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्रॉइड। मैं हूं आपका फ्रेंड शिवम और आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ का बूट लोगो चेंज करना बताऊंगा। यहां पर हम इस इमेज का बूट लोगो सेट करेंगे। बूट लोगो सेट करने के लिए आपके सिस्टम में UEFI मोड में विंडोज़ इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके सिस्टम में कौन से मोड में विंडोज़ इंस्टॉल है तो उसे चेक करने के लिए आप स्टार्ट बटन में जाके रन को सर्च कीजिए। यहाँ से आप रन सर्च कर सकते हैं या शॉर्टकट की आप विंडो प्लस आर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है MSINFO32। आप इसे टाइप करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप बायोस मोड देखेंगे तो ये UEFI है। ये मेथड सिर्फ UEFI बायोस के लिए वर्क करेगी। अगर आपकी विंडोज़ UEFI पार्टीशन में नहीं डली है तो यह मेथड आपके लिए वर्क नहीं करेगी। इस ट्रिक को करने से पहले आप अपने बायोस का सिक्योर बूट को डिसेबल कर लें, जिसके लिए आप अपने बायोस में जाएंगे। यहाँ पर बायोस में जाने के लिए हर सिस्टम की बूट की अलग होती है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो आप अपनी बूट की को प्रेस करके बायोस में चले जाइए। यहाँ पर मेरे सिस्टम में सिक्योर बूट सिक्योरिटी टैब में अवेलेबल है। हो सकता है आपके बायोस में सिक्योर बूट किसी और टैब में अवेलेबल हो। आप इसे ढूंढकर इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद इसे सेव करके हम आगे के स्टेप को फॉलो करते हैं। आपको बूट लोगो चेंज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है HackBGRT। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस वेब पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 1.5.1। यहाँ पर जब आप नीचे एसेट्स में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी zip फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज 11 यूज़र हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आप शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट टू HackBGRT पर क्लिक कर दीजिए और ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अब सबसे पहले हम अपनी बूट इमेज को एडिट कर लेते हैं जिसे हमें सेट करना है। बूट इमेज को एडिट करने के लिए मैं फोटोशॉप का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी फोटो एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप फाइल में जाएंगे। इसके बाद आप ओपन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी इमेज को आप एज ए बूट लोगो सेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन करते हैं, अपनी बूट लोगो इमेज को फोटोशॉप में अपलोड कर लेने के बाद हम एडिट में जाएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसकी आप शॉर्टकट की Ctrl+T भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर विथ दिख रही होगी तो आप विथ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 300 पिक्सल विथ रख के सेट कर दीजिए। आप 300 स्पेस PX टाइप करेंगे तो ये पिक्सल्स में सेट हो जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ पे हाइट को भी 300 पिक्सल्स में सेट कर दीजिए। अब ये साइज सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लोगो है वो बूट एनिमेशन के साथ ही उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक हो, तो हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेंगे और जो लोगो है उसे वाइट रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें अपने लोगो को वाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इमेज में चलेंगे, एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ से रिप्लेस कलर पे हम क्लिक कर देंगे। हम अपना कलर सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम ब्लैक कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद किस कलर के साथ आप उसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हम कलर सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से वाइट टोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहां से डिफरेंट टाइप के कलर्स भी सेट कर सकते हैं बट मैं वाइट रहने देता हूं। आप ओके करेंगे, देन इसको भी आप ओके कर दीजिए। तो देखिए ये वाइट कलर में सिलेक्ट हो चुका है और मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूं। तो हम यहां पे जाएंगे लेयर वाले सेक्शन में। अगर ये लेयर पैनल आपके यहाँ नहीं है तो आप विंडोज़ में जाइए और यहाँ से लेयर पर आप टिक लगा दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी चेकबॉक्स लगा है इसलिए मेरे सिस्टम में ये लेयर पैनल अवेलेबल है। फिलहाल हम क्या करेंगे कि इसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड देंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे जाइए, सॉलिड कलर पे क्लिक कीजिए और
ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेट कर दीजिए, ओके करेंगे हम। अब इस बैकग्राउंड वाली लेयर को हम अपने लोगो के नीचे रखेंगे, जिसे हम ऐसे ड्रॉप डाउन करके नीचे ले आएंगे। अब जैसे कि आप हमारा लोगो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आप फाइल में जाइए, इसके बाद हम सेव ए कॉपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी ड्राइव में से सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं इसे सी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। अब सेव करते टाइम एक बात आप ध्यान रखें, आप इसका जो एक्सटेंशन है वो बिटमैप होना चाहिए, तो हम यहाँ से बीएमपी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप फाइल नेम स्प्लैश रख दीजिए, ध्यान रहे कि फाइल का नेम स्प्लैश होना चाहिए। इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, देन यस करेंगे। दोस्तों शायद सी ड्राइव में वो फाइल सेव नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ओके करेंगे। ये फाइल सेव हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा लोगो रेडी हो चुका है। अब हम हैक BGRT की जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की है उस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब दोस्तों हम इस सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे हैक BGRT का कुछ इस टाइप का CMD सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर कमांड लाइन है। अगर आप अपना लोगो सेट करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल, अपग्रेड और रिपेयर करने के लिए आई प्रेस करेंगे, और अगर आप इस प्रोसीजर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सी प्रेस करेंगे। फिलहाल मैं आई प्रेस करता हूं क्योंकि हमें लोगो सेट करना है। हम आई प्रेस करते हैं, इसके बाद एक नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। हम इस नोटपैड की फाइल को कैंसिल करते हैं। हम जैसे ही नोटपैड की फाइल को क्लोज करेंगे आपके पास पेंट में इस टाइप का एक पॉपअप खुल जाएगा। आप यहाँ पे पेस्ट में जाइए और इम्पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। आपने जो लोगो डिज़ाइन किया है आप उसे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको फाइल में जाना है और इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस पेंट सॉफ्टवेयर को आप क्लोज कर दीजिए, और आप इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखेंगे कि हैक BGRT इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। इसका मतलब है कि आपका जो हैक BGRT का लोगो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये बूट लोगो मेरे कंप्यूटर में सेट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।